सो गाइस, टाइगर 3 मूवी का फर्स्ट सॉन्ग लेके प्रभु का नाम आज सोशल मीडिया पे रिलीज हो गया है और इस सॉन्ग से अरिजीत सिंह और सलमान भाई का भी कोलैब हो चुका है और अरिजीत सिंह ने पहली बार सलमान भाई के लिए गाना गाया है और सलमान भाई की पर्सनैलिटी को ध्यान में रखकर ही अरिजीत सिंह ने उनपे शूट होने वाली आवाज में ही ये गाना गाया है। गाने के स्टार्ट में ही सलमान खान टाइगर वाले स्वैग में एंट्री लेते और ये कोई बताने वाली बात नहीं है गाइस कि इस सॉन्ग में भी सलमान खान काफी डैशिंग लग रहे हैं और वहीं पे दूसरी तरफ कैटरीना कैफ भी काफी खूबसूरत लग रही है। और जैसे कि गाइस, एक था टाइगर में एक सॉन्ग था माशाल्लाह और टाइगर जिंदा है मूवी में भी एक सॉन्ग था स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। ये दोनों ही सॉन्ग के लिरिक्स और म्यूजिक एक तरफ हो गया था और कैटरीना कैफ का डांस एक तरफ हो गया था। सेम उसी तरह लेके प्रभु का नाम में भी इस सॉन्ग के लिरिक्स और म्यूजिक एक तरफ हो गया गाइस और कैटरीना कैफ का डांस एक तरफ हो गया और कैटरीना कैफ इस सॉन्ग में भी अपने डांस से धूम मचा रही है और सलमान भाई का तो लुक और स्वैग ही काफी है सॉन्ग में अपने प्रेजेंस साबित करने के लिए। तो दोस्तों, लेके प्रभु का नाम के लिरिक्स और म्यूजिक दोनों ही बढ़िया है और मुझे तो लेके प्रभु का नाम वाला जो बीट्स बजता है टैंटनाने दोस्तों, वो काफी पसंद आया और सलमान खान और कैटरीना की केमिस्ट्री तो किसी भी सॉन्ग में अच्छी ही लगती है। तो ओवरऑल दोस्तों, टाइगर 3 का फर्स्ट सॉन्ग लेके प्रभु का नाम मुझे तो काफी पसंद आया। आप लोगों को ये सॉन्ग कैसा लगा, सलमान भाई का लुक स्वैग सब कैसे लगे इस सॉन्ग में, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए और मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा टेकर बाय बाय, लव यू ऑल, जय वंदे मातरम।